अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। यह लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होती क्या है, ये हमें बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री हमें बताती है कि इस मॉलिक्यूल में जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, प्लस कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, ये हमें बताया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि अगर हमारे पास एस और पी के दो ऑर्बिटल्स हैं तो हम वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करके एस पी ऑर्बिटल्स कहलाएगा। जैसे कि मिसाल एक देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास CH4 है। ठीक है, अब CH4 में मतलब क्या है? कार्बन हम देखते हैं, तो कार्बन के अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, 1s2, 2s2 और 2p2, यही है 1s2, 2s2, 2p2। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, s के ऑर्बिटल्स में दो और यहां पर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि जब ये हमारे पास मिथेन का मॉलिक्यूल बनता है तो ये हमारे पास एक एटम, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है और यहां पर आ जाता है, ये बोलती थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसकी वैलेंस ही कार्बन की चार हो जाती है। लेकिन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऐसा नहीं होता कि एस का एक ऑर्बिटल हो और पी का एक ऑर्बिटल हो। ठीक है, 2s और 2p है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट बोलता है क्योंकि ये सेम एनर्जी पर है, 2 और 2 दोनों पे इंटीजर नंबर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑर्बिटल बन जाएंगे मिक्स होकर। तो क्या हुआ, बेसिकली ये हो गया मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होकर सारे के सारे सेम एनर्जी के बन जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जब सेम एनर्जी में है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बोलती है हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। ठीक है, और इस तरीके से कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसका मॉलिक्यूल देखकर किस तरीके से बता सकते हैं, जरा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के निकालने के लिए ना एक फार्मूला होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालने का फार्मूला होता है हाफ। ठीक है, अच्छा यहां पर आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हमने हाफ लिख दिया, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज हो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, माइनस कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज हो उसके बाद माइनस कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम के बारे में आप लोगों को पता है क्या, जिसकी वैलेंसी एक हो, जिसकी वैलेंसी वन हो। ठीक है, उसको मोनोवेलेंट एटम कहते हैं। अच्छा भाई, ये हमने फार्मूला लिख दिया भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का निकालने का। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये फार्मूला हमें बता देगा कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर हैं। ठीक है भाई, अब एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, सही है, उसके बाद फिर मैं एक ट्रिक बता दूंगा इसकी करवाने की। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम जिसका है हमारे पास CH4। ठीक है, CH4, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम NH3, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम H2O, हमें इसकी बतानी है ज्योमेट्री। अच्छा भाई, अब इसकी जैसे मैंने फार्मूला बताया तो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू के बाद क्या करते हैं, प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टू वन आवर टू, तो वन आवर टू लिख देते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार,
प्लस मोनोवेलेंट एटम भी इसके पास चार लगे हैं, तो प्लस चार कर देते हैं। ठीक है, कोई इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल में, लेकिन मोनोवेलेंट एटम है तो मोनोवेलेंट एटम रख दिया। ठीक है, इसके जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, फोर। ठीक है, इसका जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है फोर, मतलब चार इसके अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे। ठीक है, अमोनिया पे आते हैं। अच्छा भाई, अमोनिया का मतलब क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। अच्छा, सेंट्रल एटम पहचानने का क्या तरीका है, सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो सिंगल एटम होता है, ठीक है, जिसके साथ बॉन्ड बने हुए हो, वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है भाई, लाजमी तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच प्लस तीन इसके अंदर मोनोवेलेंट लगे हुए हैं, कितने हो गए, आठ, आठ बाय टू, ये भी हमारे पास कितना आ गया, फोर। ठीक है भाई, फोर इधर आया, फोर इधर आया। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आए थे ऑक्सीजन, सिंगल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, मतलब क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है। ठीक है, जो भी सिंगल एटम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छः प्लस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बताया तो 1s2, 2s2 और 2p4, ऐसा ही है। तो ये दोनों सेम एनर्जी पर हैं, तो जो सेम एनर्जी पर आएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लाएंगे। ठीक है भाई, जो लास्ट में सेम एनर्जी पर आएंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस दो हमारे पास मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं, दो। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी फोर ही आएगा। सही है, तीनों का आंसर फोर आ गया। इसका मतलब क्या है कि तीनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या है तीनों की ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। अच्छा भाई, अब ये कैसे पहचाना मैं कि यहाँ पर जो है वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ये बताता हूँ भाई, ये एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक बताते हैं आपको ताकि आप हर चीज की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हम लोगों ने निकाल के दिखाए, चार हैं, सही है, दोनों सब में चार चार आए, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इसका मतलब क्या है, H2O का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमारे पास चार वैल्यू आई है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन लगे होंगे और दो इसके अंदर लोन पेयर होंगे, ऐसा ही है। इसी तरीके से जो अमोनिया की वैल्यू चार आई है, तो इसका मतलब तीन इसके अंदर हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक इसके अंदर लोन पेयर होगा, ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कार्बन के साथ जो लगे हुए थे वो इस तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि चार कार्बन के साथ चारों बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर दो लोन पेयर थे, दो बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर एक लोन पेयर था और तीन बॉन्ड पेयर थे, तीन बॉन्ड लगे हुए थे हाइड्रोजन के, इस वजह से। अच्छा भाई, अब इसको पहचानते हैं जरा, और वीडियो को थोड़ा सा और पुश करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए चीज़। वैसे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो ये डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू आ रही है टू, तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी लीनियर। लीनियर एंगल कितना होगा लीनियर में, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हमारे पास बॉन्ड पेयर अलग और लोन पेयर अलग करके बात नहीं कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं वो दोनों को प्लस करके बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम वैलेंस बॉन्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अच्छा 180 डिग्री है। ठीक है, जब हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 आएगी तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा और उसके दरमियान जो होगी वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के दरमियान। अच्छा, 3 हमारे पास वैल्यू आती है, 3 हमारे पास वैल्यू आती है, तो हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। ठीक है, और इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। अच्छा, ये एंगल जब हमारे पास लोन पेयर आ जाता है ना, तो ये एंगल हमारे पास थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एंगल जब हमारे पास लोन पेयर आ जाता है तो कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन बॉन्ड पेयर पे यही एंगल होता है, मतलब ये आइडियली एंगल है। ठीक है, ये होना ही चाहिए, होना यही चाहिए, लेकिन जब हमारे पास लोन पेयर आ जाता है तो ये एंगल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, जब हमारे पास होती है चार वैल्यू,
ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल और हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास जो यहाँ पर डिग्री आता है वो कितना आता है 109.5, इतना एंगल बनेगा हमारे पास। सही है भाई। अब आते हैं हम लोग पांच पर। पांच पे हमारे पास जो वो बनती है, वो बनती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और हमारे पास इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा भाई छह आती है तो छह में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बनता है। ऑक्टाहेड्रल और 90 डिग्री का एंगल बनता है तमाम बॉन्ड्स के दरमियान। ठीक है भाई, ये चीज ऐसी कैसी आप लोग उतार लें। ठीक है, कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, कितनी डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है भाई, अच्छा भाई अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे पास, कौन कौन से सवाल हमारे पास आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज है, एक कंपाउंड है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब इसकी हमें बतानी है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री बतानी है तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन कर लेते हैं। अच्छा अब इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। सबसे पहले ये पता करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो सिंगल एटम होगा। ठीक है भाई, सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है? चार प्लस। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चार डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू टू। ठीक है, टू पे क्या ज्योमेट्री होगी? लीनियर। क्या ज्योमेट्री होगी? लीनियर, मतलब कार्बन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इससे इसके दरमियान, उससे इसके दरमियान, दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाले जो सिग्मा बॉन्ड होंगे उस पर डिपेंड करेगी हमारे पास बॉन्ड पेयर, वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं सिग्मा बॉन्ड। और प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा भाई, ये हम लोगों ने कर दी किसकी मिसाल? लीनियर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर। 180 डिग्री का एंगल होगा दोनों के दरमियान। आगे चलते हैं, H2S लेते हैं। ठीक है, H2S सल्फर। सल्फर इसके अंदर क्या है? सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इज सल्फर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जब सल्फर सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2 और 3p4। सल्फर के सेंट्रल एटम में, सल्फर क्योंकि सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो निकालते हैं जरा, 6 हमारे पास आ गया तो 6 प्लस 2 हमारे पास क्या है? मोनोवेलेंट एटम है, कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हमारे पास ये आंसर कितना आया? 1/2 8 4। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, अभी शेप पे बात नहीं कर रहा है। सही है,
ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, इसका मतलब क्या है, दो सल्फर हमारे, दो हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे लगे हुए होंगे और दो इसके पास क्या होंगे, लाजमी तौर पर लोन पेयर होंगे, क्योंकि जो हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। ठीक है, तो जब दो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे तो दो लाजमी तौर पर इस पर लोन पेयर लगे हुए होंगे। ठीक है, चलें भाई आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ये हमने बात कर ली कि जिसके अंदर दो लोन पेयर हैं, दो 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 बॉन्ड पेयर हैं। अब बात करते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, SiF4, सही है। तो हमारे पास सिलिकॉन जो है वो हमारे पास रखता है 14 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 कितने होगा, 10, 3s2 12 और 3p2, ठीक है, ये होगा 14 इलेक्ट्रॉन पूरे, 14 होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हाफ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस F, क्योंकि यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम है। ठीक है, अभी तक हाइड्रोजन हम मोनोवेलेंट एटम देखते हुए आ रहे थे, अभी तक हम हाइड्रोजन को मोनोवेलेंट एटम देखते हुए आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 4 और ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 by 2 = 4। ठीक है भाई, अब 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। इसका मतलब क्या एंगल होना चाहिए, इसका मतलब जो एंगल होना चाहिए 109.5। ठीक है, 109.5 डिग्री। ठीक है भाई, ये हमारे पास एंगल होना चाहिए। अच्छा जी, सिलिकॉन की क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर हैं तो यही एंगल होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर लोन पेयर आ जाता है तो एंगल में थोड़ी सी रद्दोबदल हो जाती है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऐसे एटम की कि जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे एटम की कि जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है। तो हमारे पास आता है NO3 -1। ठीक है, अच्छा भाई, नाइट्रेट आयन, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया है निकालना, उसी तरीके से निकालेंगे, हाफ ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर 5 होते हैं, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज, हाँ हैगा, एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट एटम नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास 6 by 2 = 3। 3 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, 120 डिग्री। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं और उन एटम्स के, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं कि जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। PCl5, फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम में हमारे पास कितने हैं, अच्छा फॉस्फोरस का होता है हमारे पास 15। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, ऐसा ही है, 15 हो गए। अच्छा जी, अब आखिर में कितने आ रहे हैं, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस क्लोरीन इज आल्सो अ मोनोवेलेंट एटम, तो कितना आ जाएगा, 5, 5 प्लस 5 10, 10 by 2 = 5। अच्छा भाई, 5 पे क्या आ रहा है,
5 पे बन रहा है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसका मतलब क्या है, फास्फोरस ऐसे होगा, ये तीन क्लोरीन लगे, तीन जो है क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है, ये तीनों एक प्लेन के अंदर है और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बन गया। ठीक है भाई, तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पर और दो जो है वो सॉरी तीन एक्सियल पोजीशन पर और दो जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है भाई, अच्छा भाई अब बात करते हैं हम ऐसे कंपाउंड की जो के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री रखता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास आता है ज़ीनॉन फ्लोराइड। ठीक है, ज़ीनॉन फ्लोराइड, ज़ीनॉन का क्योंकि हम जानते हैं कि नोबल गैस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हुए होंगे, आठ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, तो हम लगा देते हैं इसको आठ प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, पूरा बोर्ड भर जाएगा। अच्छा, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज, मोनोवेलेंट एटम, हाँ मोनोवेलेंट एटम है। अच्छा भाई ये कितना हो गया, 12 by 2 = 6 में क्या है, ऑक्टाहेड्रल, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कितना डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास इसका एंगल बनेगा, मतलब क्या बनेगा, ज़ीनॉन ये आ गया और ये चार हमारे पास लग गए और दो हमारे पास इसके अंदर लोन पेयर हैं, ऐसा ही है, दो हमारे पास इसके अंदर लोन पेयर हैं और चार हमारे पास इसके जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लोग पूरी पूरी दो दो घंटे की वीडियो में भी ये चीज़ नहीं समझाते जो मैंने आप लोगों को आधे घंटे की वीडियो में समझा रहा हूँ, लोग सिर्फ टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाई है इस लेक्चर में। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक लोग इतने मुश्किल करके बताते हैं, मैंने आप लोगों को इतना इजी करके बताया है कि अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है, पूरा लेक्चर बगैर स्किप करे देखा है, तो आप हर कंपाउंड का, हर मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक जो है वो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उस पर ये वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी हुई है इसके साथ, अच्छा इसके साथ भी डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है भाई, सही है भाई। तो अब हमारे पास एक एक कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, एक एक कार्बन की, तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले बॉन्ड पेयर देखना है, बॉन्ड पेयर से हमें क्या देखना है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू क्या आ रही है, फिर उस हिसाब से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। ठीक है भाई, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देता हूँ, वो मैं इस वजह से नहीं लिखी थी कि वीडियो के लेक्चर के आखिर में बताऊँगा, ये होती है sp, ठीक है, ये होती है sp2, ये होती है sp3, ठीक है, sp2 sp3, ये होती है sp3d, ठीक है, sp3d, सही है भाई, और लास्ट वाली है हमारे पास sp3d2, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग चलते हुए जाएंगे जिस शुरू से लेक्चर से, तो आप आराम से हर एक चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं कि sp है, sp2 है, sp3 है, sp4 है, जिसकी वैल्यू 2 है उसकी वैल्यू उसमें आएगा sp है, जिसकी वैल्यू 3 है उसके आएगा sp2 है, जिसकी वैल्यू 4 है उसमें आएगा sp3 है, जिसकी वैल्यू 5 है उसके में आएगा sp3d है, जिसमें आएगा 6 उसकी वैल्यू sp3d2 है। ठीक है, तो शुरू से अगर आप लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगी। अच्छा अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब वीडियो का लेक्चर का आखिरी चल रहा है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है,
अच्छा यही हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, कोई सा भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, इसी हाइब्रिडाइजेशन के तहत आप लोगों को करना होता है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरा चार्ट बनाकर कर दिया है, दे दिया है। अच्छा ये चार्ट आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सामने लिखी हुई है, एंगल लिखा हुआ है और हमारे पास ज्योमेट्री लिखी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो वैल्यू है ये बॉन्ड पेयर प्लस नॉन पेयर की है। दोबारा लेक्चर को रिविजन इस वजह से करा है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के हमारे पास एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मिसाल के तौर पर हमें वो बोल देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, चारों कार्बन दे देता है, वो चार कार्बन दे देता है, उसमें वो बोलता है कि भाई इन चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर हैं, तीन बॉन्ड पेयर की वैल्यू क्या है, ये रही, इस पर क्या आ रहा है sp2। तो मतलब पहला आने वाला वो क्या है sp2, पहले कार्बन sp2 है। दूसरे कार्बन के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है। तो एक दो तीन, इस पर भी तीन है, तीन की वैल्यू कहाँ है sp2, मतलब दूसरा कार्बन भी क्या है sp2 है, ठीक है। तीसरे कार्बन की बात करते हैं, एक दो तीन, मतलब ये क्या है, ये भी sp2 है, sp2। हाँ अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर ये चीज़ नहीं होती तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और लगा हुआ था, मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, एक दो तीन चार, इसका मतलब क्या होता, ये होता sp3। और फिर जब ये चार था तो ये भी चार होता, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये भी हो जाता sp3, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा कार्बन नंबर देकर, एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, एसपीएससी के टेस्ट में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, जो है वो कोई से भी टेस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री से मुताल्लिक होते हैं, केमिस्ट्री से जिनका ताल्लुक होता है, जिनका ताल्लुक साइंस से होता है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है कि भाई कौन सा कार्बन के इस तरीके के मॉलिक्यूल बनाकर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाकर, कि भाई कौन सा कार्बन जो है वो क्या है, sp3 है, sp2 है या sp है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कार्बन देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है। अब यहाँ पर हम आपको देखना है कि भाई इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो एक बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड है। अच्छा बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब दो सिग्मा बॉन्ड है। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है वो टू वैल्यू आएगी बॉन्ड पेयर प्लस नॉन पेयर की। जब टू वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कार्बन होगा वो होगा sp, क्या कार्बन होगा, ये होगा sp। और यही भी, ये भी इसी की तरह ही है, तो ये भी sp, मतलब ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल है sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसमें वो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन के ऊपर नंबरिंग करके भी दे सकता है, वन टू, भाई पहला कार्बन बता दो sp है, sp2 है, sp3 है, तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा कार्बन भी दे सकता है, दूसरा कार्बन भी बता सकते हैं। अच्छा भाई उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर शुरू से देखा होगा तो समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर sp, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी डिटेल में समझाई है, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को बाद में इस वजह से बताई जाती है कि बच्चा पहले ये चीज़ ट्रिक कर जाए, सही है, ये चीज़ अगर ट्रिक कर जाएगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन भी आराम से ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि इसके हिसाब से हमने हाइब्रिडाइजेशन बताई है। दो होगा तो sp, तीन होगा तो sp2, थ्री फोर होगा तो sp3, फाइव होगा तो sp3d, अगर सिक्स होगा तो sp3d2, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस वजह से लास्ट में बताई है ताकि आप लोगों को यहाँ से जब आप लोग चलते हुए चलेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ भी आराम से आ जाएगी। और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी लास्ट में बताया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो लाजमी तौर पर, सिग्मा बॉन्ड किस में काउंट होता है, सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका था और मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लियर कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी सवाल हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में पता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।